क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फाइव। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ लिया था और आई होप उनके क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए होंगे। और कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह आपके रह गए हों उन लेसन को लेकर के, तो आपके बाद में वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखो लेसन फाइव, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली आप सबको पता ही है कि हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेल से मिलकर के बनी होती है। तो वो जो फंडामेंटल यूनिट है वो लाइफ की वो कौन सी है, सेल। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इंट्रोडक्शन देख लो एक बार कि इस लेसन में क्या है। एट प्रेजेंट अबाउट 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम। यानी देखो वर्तमान के अंदर कितनी 1.8 मिलियन स्पीसीज के क्या दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रियली चेंज साइज। और कुछ जो स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, उनकी साइज कैसी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। जेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विशाल या फिर बड़ी होती है। लाइक ब्लू व्हेल एंड अफ्रीकन एलिफेंट, यानी किसकी तरह, ब्लू व्हेल की तरह और अफ्रीकन एलिफेंट की तरह। सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, यानी कुछ कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, नेक्ड आईज से उन्हें नहीं देख सकते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी देखो साइटोलॉजी क्या होती है, इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल। यानी जो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या किया जाता है, सेल्स की स्टडी की जाती है, जहाँ पर सेल्स की स्टडी की जाती है उससे रिलेटेड बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वंस अगेन सी हियर, एट प्रेजेंट अबाउट 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन गिवन साइंटिफिक नेम। यानी देखो वर्तमान के अंदर 1.8 मिलियन स्पीसीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं उनको क्या दिया है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रियली चेंज साइज, यानी कुछ स्पीसीज जो है उनकी जो है उनकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, चेंज यानी विशाल होती है। लाइक जैसे ब्लू व्हेल और अफ्रीकन एलिफेंट की तरह। कुछ कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उन्हें किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उन्हें देखा जा सकता है, हम उन्हें हमारे नेक्ड आईज से उन्हें सीन नहीं कर सकते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या किया जाता है, सेल्स की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को क्या नाम दिया, साइटोलॉजी नाम दिया। अब नेक्स्ट देखो, द सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर यूनिट होती है किसकी, लिविंग बींग्स की। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी होती है, सेल। द सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है, सेल। अब देखो नेक्स्ट, डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, यानी देखो सेल की जो डिस्कवरीज है उनसे रिलेटेड कौन कौन थे और कैसे उनकी डिस्कवरीज हुई थी। रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर फर्स्ट जो कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क है मतलब कॉर्क की जो एक पतली झिल्ली थी उसके अंदर क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर क्या किया था, सेल जो है उसको ऑब्जर्व किया था, देखा था उन्होंने सबसे पहले। लेकिन बट दिस सेल इज डेड, लेकिन वो जो सेल थी वो कैसी हुई थी, डेड सेल थी।
सेकेंड एंटेन वॉन ल्यूवेन हॉप, एंटेन वॉन ल्यूवेन हॉप 1674 में इन्होंने ही ऑब्जर्व द लिविंग सेल, इन्होंने किसको देखा था, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। डेड सेल को किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया है, एंटेन वॉन ल्यूवेन हॉप ने 1674 के अंदर। क्लियर। अब देखो, इन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, और किसकी सहायता से इन्होंने देखा था, जो इंप्रूव्ड बहुत ज्यादा विकसित अब माइक्रोस्कोप आ गया था इस टाइम में, तब जो इंप्रूव माइक्रोस्कोप था उसकी सहायता से जो पॉन्ड वाटर था उसकी ड्रॉप के अंदर इन्होंने उसको सीन किया था लिविंग सेल को। बट जो डेड सेल थी, मरी हुई जो सेल थी, सबसे पहले उसको सीन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगर फर्स्ट सेल आ जाए, फर्स्ट सेल आएगा तब तो आपको रॉबर्ट हुक करना है, लेकिन अगर लिविंग सेल्स आ जाए, लिविंग सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तब आए पढ़ना है एंटन वॉन ल्यूवेन हॉप ने। ये क्लियर होना चाहिए आपको। He was the first to study bacteria, sperm, egg cell, euglena and red blood cells of animals under his microscope. यानी उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया की, स्पर्म की, एग सेल्स की, यूग्लिना की और रेड ब्लड सेल्स की क्या की थी, उन्होंने स्टडी की थी एंटेन वॉन ल्यूवेन हॉप ने। वंस अगेन एक बार और देख लो, द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी जो सेल है वो क्या होती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, यानी सेल्स से जो रिलेटेड जो डिस्कवरी है, खोज थी उसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। किसके अंदर की थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर किया था उन्होंने ऑब्जर्व। और वो जो सेल थी वो कैसी हुई थी, कैसी थी, डेड सेल्स थी। सेकेंड है एंटेन वॉन ल्यूवेन हॉप ने 1674 के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो जो सेल्स थी वो कैसी थी, लिविंग सेल्स थी। और वो जो लिविंग सेल्स थी उन्होंने किसके अंदर ऑब्जर्व किया था, पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक बूंद के अंदर, और किसकी सहायता से, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से किसका किया, किसकी स्टडी की, बैक्टीरिया, स्पर्म, एग सेल, यूग्लिना और रेड ब्लड सेल्स की भी उन्होंने स्टडी की। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831, रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर जो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर्ड इन्होंने किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। He first of all observed the nucleus in the cell of orchid root. और उन्होंने सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है वो कौन सी रूट के अंदर देखा था, ऑर्किड रूट के अंदर देखा था। जे ई पुरकिंजे 1839, पुरकिंजे गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द जेली लाइक फ्लूइड ऑफ द सेल। पुरकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म नेम दिया था किसके अंदर, जो सेल के अंदर एक जो जेली लाइक फ्लूइड था उसे क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म उसे नाम दिया साइंटिस्ट जे ई पुरकिंजे 1839 में। नेक्स्ट टी हक्सले 1868 में ही डिस्क्राइब्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और इन्होंने टी हक्सले ने 1868 के अंदर क्या डिस्क्राइब किया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होती है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होती है, जीवन का क्या होता है, ये आधार होता है। नहीं वापिस देखो, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल। उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल के अंदर न्यूक्लियस था उसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था उन्होंने। द फर्स्ट सेल ऑब्जर्व द न्यूक्लियस, उन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियस था उसको ऑब्जर्व किसके अंदर किया था,
ऑर्किड ग्रुप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट था जय ई पुरकिंचे ने कब किया था, 1839 में। और 1839 में उन्होंने क्या बोला, क्या किया था पुरकिंचे ने, प्रोटोप्लाज्म जो नेम है वो उन्होंने दिया था, प्रोटोप्लाज्म नेम पुरकिंचे ने दिया था, जय पुरकिंचे ने। और एक ये क्या था, एक सेल के अंदर एक जेली लाइक जो फ्लूड था, जो लिक्विड होता है, उसको क्या बोला उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है। जो सेल के अंदर एक जेली लाइक जो फ्लूड होता है उनको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। और ये किसने दिया था, तो जे ई पुरकिंचे ने 1839 में ये दिया। नेक्स्ट टी हक्सले, टी हक्सले कब आए थे, 1868 में। 1868 में उन्होंने क्या किया था, ही डिस्क्राइब्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या बताया था कि ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का क्या है, ये भौतिक आधार होता है। एक इन्होंने बताया, टी हक्सले ने इन्होंने बताया था। नेक्स्ट देखो जेम्स क्लाइडेन 1938 एंड थियोडोर स्वान 1939, ये दोनों आए थे। नेक्स्ट स्टडी द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने क्या किया था, क्लाइडेन एंड स्वान साइंटिस्ट ने इन्होंने स्टडी की थी इनकी सेल्स और टिश्यूज की, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स की। एंड प्रपोज द सेल थ्योरी, और उन्होंने क्या, कौन सी थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और श्वान साइंटिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो क्या होती है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो यूनिट होती है लिविंग बींग्स की, वो कौन सी होती है सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब किससे बने होते हैं, सेल से। नेक्स्ट देखो, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी जो सेल्स वगैरह होती है उनकी जो स्ट्रक्चर यानी संरचना के रूप में, वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे से बेसिकली सामान्य रूप से कैसा होगा, सेम होता है। क्लियर यहाँ तक। वह देखो यहाँ पे जे एम स्लाइडेन 1938 एंड थियोडोर श्वान ने ये थ्योरी कब दी थी, सेल थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। और उन्होंने किसके अंदर स्टडी की थी, सेल्स एंड टिश्यूज, किनके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स में देख करके उन्होंने ऑब्जर्व करके क्या दिया था, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी के अनुसार, सेल थ्योरी के अनुसार, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किनसे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी किनसे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। क्लियर यहाँ तक। सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल जो है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट दे रखा है आपको, सेल आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और सेल का जो बेसिकली सामान्य रूप से उनका जो स्ट्रक्चर संरचना के रूप में, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना के रूप में, वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सेल्स होगी वो एक दूसरे को, रुडोल्फ विर्चो 1855 contributed to cell theory by saying cell arise from pre-existing cell. अब देखो साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था सेल थ्योरी के अंदर, कि जो सेल होती है वो क्या होती है, पहले से बनी हुई जो सेल होती है उससे क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से बनी हुई जो सेल्स होती है उनसे क्या होती है, नई सेल का फॉर्मेशन
होता है, ये किसने कहा? रुडोल्फ विल्सो साइंटिस्ट ने। ही पॉपुलराइज्ड ही द कॉन्सेप्ट ऑमनी सेलुला इज सेलुला, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा? ऑमनी सेलुला इज सेलुला। ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, यानी जितने भी सेल्स होती है वो क्या होती है? दूसरे सेल्स से मिलकर के बनी होती है। मैक्स नॉर एंड ई रस्का 1931। अब देखो 1931 में साइंटिस्ट मैक्स नॉर एंड ई रस्का ने इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जो माइक्रोस्कोप था उनका क्या किया था? इन्वेंट करने का काम किया था किसने? नॉर एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कर दिया था, बना दिया था। वापिस देख लो, वंस अगेन सीन हियर, रुडोल्फ विर्चो 1855 he contributed to cell theory by saying cells arise from pre-existing cells। यानी देखो इन्होंने क्या contribute किया था cell theory के अंदर, कि जो cell होती है वो क्या होती है? पहले से बनी हुई या फिर pre-existing cells है, उनसे उनका formation होता है। he popularized concept, और उन्होंने concept दिया था omnious cellula in cellula, यानी जो सेल्स होती है वो किनसे बनी होती है? सेल्स से नहीं, नई सेल्स बनाना बनाती है। मैक्स नॉर और रस्का 1931 में इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप था उनका फॉर्मेशन इन्होंने किया था। अब देखो नेक्स्ट, बेसिक टूल्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के जो बेसिक जो टूल्स वगैरह है, या सामान, टूल्स का मतलब होता है जो सामान वगैरह होते हैं वो साधन बोल सकते हैं, या टेक्निक जो तकनीकें वगैरह काम में आ रही है साइकोलॉजी की स्टडी के लिए, वो क्या क्या है, या फिर उनके बेसिस यानी आधार क्या क्या होते हैं? द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, यानी ऐसी सेल्स जो बहुत ज्यादा कैसी होगी, छोटी होती है और हम उन्हें नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हैंस माइक्रोस्कोप्स आर असेंशियल फॉर ऑल साइटोलॉजिकल स्टडीज। तो इस तरीके से जो साइटोलॉजिकल स्टडीज की जाती है उसमें किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप जो है वो असेंशियल होता है। स्टेनिंग, माउंटिंग, लाइट प्रिपरेशन, फ्रैक्शनेशन एक्सेट्रा आर सम टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी ऑफ सेल। यानी देखो इसके अंदर दे रखा है जैसे स्टेनिंग है, माउंटेनिंग है, जो स्लाइड प्रिपरेशन है, फ्रैक्शनेशन है, या फिर जो कुछ अदर जो टेक्निक्स वगैरह है वो सेल्स की स्टडी के लिए काम में की जाती है। सेल्स को किस तरीके से अपन सेट कर सकते, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम सेट करते हैं, किस तरीके से उनको स्टेनिंग की जाएगी, मतलब कलर वगैरह कर सकते हैं, फिर उनको किस तरीके से, जैसे अगर ज़्यादा अगर कलर वगैरह लग जाता है तो किस तरीके से उसको स्टेन करने के बाद में वॉश किया जाता है, माउंट किया जाएगा, फिर स्लाइड को प्रिपरेशन यानी किस तरीके से तैयार करेंगे, और फ्रैक्शनेशन वगैरह जो है वो कई कई तरीके की जो टेक्निक्स वगैरह है वो सेल्स की स्टडी के लिए यूज में की जाती है। वंस अगेन देख लो, बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की स्टडी के लिए हमें क्या क्या जो टूल्स वगैरह है टेक्निक्स काम में लेनी चाहिए। तो द सेल्स आर वेरी स्मॉल, जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं देखने के लिए? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो नेक्ड आई है उसकी सहायता से हम आसानी से उन्हें देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाएंगे, तो उनके लिए किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप इसके लिए असेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट, इसके प्रिपरेशन के लिए स्टडी या सेल की स्टडी करने के लिए हम किन किन का यूज करेंगे? जैसे स्टेनिंग है, माउंटेनिंग है, स्लाइड प्रिपरेशन है, फ्रैक्शनेशन है, इन सब टेक्निक्स का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, और जो डेफिनेशन है डिस्कवरीज ऑफ सेल्स वगैरह है, आपको उसकी जो डेफिनेशन है या फिर जो भी डिस्कवरीज है, जैसे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटेलमॉन, ल्यूवेन हॉक, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए पूरी तरीके से। और जो साइटोलॉजी की जो टेक्निक्स है, टूल्स वगैरह है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा और एक सेकेंड होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
और तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा उसके अंदर तो उसके बारे में, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।